विश्व प्रसिद्ध धरोहर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त हालत में देखकर मेरी आत्मा जल जाती है। ऐसी धरोहर विश्व में और कहीं नहीं है। धरोहर को ऐसी हालत में देखकर आज मेरे दिल बहुत दुखा है। यह धरोहर एक बार ही बनती है। यह बात चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने सोमवार शाम को प्राचीन एवं ऐतिहासिक किले की मूर्ति के क्षतिग्रस्त हाथ को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साधो सोमवार शाम को किले का निरीक्षण करने पहुंची। उल्लेखनीय है कि नगर में एक सप्ताह चली फिल्म दबंग की शूटिंग के सेट को उतारने के दौरान रविवार को प्राचीन एवं ऐतिहासिक किले की मूर्ति का एक हाथ क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया गया। वहीं सोमवार को नगर में जागरूक नागरिकों ने किला एवं घाट क्षेत्र में शूटिंग कर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उल्लेखनीय है कि फिल्म दबंग की शूटिंग के दौरान किले की प्राचीर में शूटिंग का सामान उतारते समय नक्काशीदार किले की मूर्ति टूट गई थी, जिसको लेकर सोमवार को क्षेत्र के मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने उक्त स्थल का निरीक्षण कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने किले के सभी नक्काशीदार मूर्तियों का जायजा लिया, जिन्हें फिल्म यूनिट के समय नुकसान पहुंचाया गया। राजवाड़ा पहुंचकर जहां देव दर्शन के साथ उन्होंने राजगद्दी पर मां अहिल्या के दर्शन भी किए। इसके साथ ही किले के अधिकांश भाग के व्यवसायीकरण होने पर नाराजगी जताई तो क्षेत्र जनता के लिए खुले थे, उन्होंने होटल संचालित हो रही है। जब खासगी ट्रस्ट के मैनेजर चंद्रकांत बड़े से बात करना चाहिए तो उन्होंने लखनऊ होने की बात कही। होटल मैनेजर रोहित सिंह को भी तलब करने को कहा तो धरोहर के साथ तोड़फोड़ ठीक नहीं, जिस पर उन्होंने खासगी ट्रस्ट से बात करने का बोल कन्नी काट ली। इस दौरान मंडलम अध्यक्ष वल्लभ सराफ एवं अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। ऑल एडिशन गया हुआ है, तो हम हमारा काम तो जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मतलब जो जरा सी भी चीज मालूम पड़ती है कि इसको नुकसान हुआ तो बराबर कल का है, कल का है, कल हुआ। और पूरे सोशल मीडिया पे चला है, नहीं कि मतलब ये खाली मीडिया। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से इसको देख रही थी और उस टाइम मुझे इतना जानकारी में नहीं लाए थे, क्योंकि 15 सालों से के पहले जब मैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर थी तो महेश्वर को हाईलाइट करने के लिए मेरा एक उद्देश्य था कि इसको निर्माण उत्सव के माध्यम से आगे लिया जाए, ताकि लोग यहाँ आए और देखें और इसको प्रचार प्रसार हो। और मुझे अच्छा लगा कि फिल्म वाले आ रहे हैं यहाँ पर और अपनी फिल्म का यहाँ पर शूटिंग करके और महेश्वर को उसमें दिखा रहे हैं, तो एक प्रचार प्रसार का माध्यम ये भी होता है। मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन पिछले दिनों जो तोड़फोड़ हो रही है यहाँ पर, जो यहाँ की धरोहर हैं, माँ अहिल्या साहब होलकर ने जो यहाँ पर मूर्तियाँ बनवाई थी, जो घाट बनवाए, सुंदर खूबसूरत मंदिर बनवाए और जो यहाँ की नक्काशी है, वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमारे लिए एक बहुत अमूल्य प्रॉपर्टी है हमारी, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो उसमें अगर कोई कमियाँ खामियाँ होती तो दुख हर व्यक्ति को होता है और सबसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैंने स्वयं ने आके अभी जो देखा, 4 घंटे से हम लोग जो घूम के देख रहे हैं, कई पत्थरों पे किले ठुकी हुई हैं, मूर्तियों के हाथ टूटे हुए हैं, एक मूर्ति मशाल की वो टूटी हुई, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ कि ऐसी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को इतनी सुंदर नक्काशी बहुत कम मिलती है और उसमें इसमें कमियाँ खामियाँ होती तो मेरा सही में मेरी आत्मा बहुत तड़प रही है, बहुत रो रही है कि मेरे रहते हुए इस तरह की यहाँ हरकतें हो रही है जो कि निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मेरी चर्चा हुई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मैडम हम 144 जो धारा लगी हुई है उसी के ऊपर हम लोग ने रिलैक्सेशन दिया है और लॉ एंड ऑर्डर की हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारा कुछ खाजगी ट्रस्ट के पास में है और खाजगी ट्रस्ट ही इसको परमिशन देता है शूटिंग की, और खाजगी ट्रस्ट ने इसके परमिशन दे के उनको किया। तो मुझे लगता है कि खाजगी ट्रस्ट के लोगों को व्यावसायिक होने के बजाय माँ अहिल्या माँ साहब ने जो इस क्षेत्र के लिए जो किया है उसके ऊपर ध्यान देखते हुए इसको उस हिसाब से यहाँ करना था। मुझे दुख है इस बात का कहने में कि खाजगी ट्रस्ट के जो भी यहाँ नॉमिनी रहे हैं या जो लोग हैं वो इसको सिर्फ व्यावसायिक रूप से देखकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। और